बाबा अपनी संगत से देह दान भी कराता था। मरने के बाद डेड बॉडी को सिरसा डेरे भेजा जाता था। अकेले पानीपत से ही एक दर्जन से ज्यादा डेड बॉडी सिरसा डेरे भेजी गई थी। इसमें अब ये भी शक है कि डेरे में कहीं मृत देह का व्यवसायिक उपयोग तो नहीं होता था। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है या पाप का घड़ा भरता है तो वो भी कोसने लगते हैं जो सालों तक बाबा की चरण वंदना करते रहे। अब ऐसे लोग दूसरों को जगा रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 25 अगस्त को जब पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में आरोपों पर फैसला सुनाए जाने के वक्त बाबा ने पंचकुला पहुंचना था, उससे एक दिन पहले ही पानीपत की कई महिलाएं अपने पतियों से झगड़ा करके जबरदस्ती पंचकुला चली गई थी। कई तो बच्चों को भी साथ ले गई थी। ऐसी आस्था थी इस बाबा के प्रति। और अब हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। जितने मतलब की सिरसा डेरे में हम जाते थे वहां से श्रद्धालु जितने भी है उनके साथ एक किस्म से उन्होंने धोखा किया है जी। हम तो विश्वास कर के वहाँ जाया करते भगवत जी के थोड़ो और गुरु जी के, और मैं भी जमती मेरा भाई भी जाता और हम तो नोता और दान चढ़ाया काम होते वहाँ से और सब काम मका गुरु जी हैं हमारे जाया का पाँच छुटकारा करते और बहुत बड़ा विश्वास था। डेरे से जुड़ी संगत ही अब अपने किए पर पछता रही है। सूत्रों का कहना है कि बाबा ने संगत में देह दान भी शुरू करवाया था। मृत शरीरों को डेरा सच्चा सौदा भेजा जाता था। अब शक ये भी किया जा रहा है कि कहीं मानव अंगों का व्यवसायिक उपयोग तो डेरे में नहीं हो रहा था। बाबा एक कारनामे अनेक। देखते रहिए टोटल न्यूज। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। देखकर बेचारे नवपल्लवित लौंडों का बचपना छूट जाता है।